नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सिवरी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशासन की लगातार मनमानी हम लोग सहते आ रहे हैं, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि बीएचयू में 2023 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कितना ज्यादा धोखाधड़ी से भरा हुआ है। दोस्तों आप सही सुन रहे हो, अभी मैं आपको कुछ ऐसी समस्याएं से अवगत कराने वाला हूं, ऐसी गड़बड़ियों से अवगत कराने वाला हूं, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कमियों को दिखाने वाला हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और प्रशासन को भी पता लगना चाहिए कि भाई हम लोग आपकी गड़बड़ी को डिटेक्ट कर चुके हैं। जो लगातार पिछले 15 दिनों से आप लोग ढोल नगाड़े पीट रहे हो बैठ के एडमिशन कमेटी के नाम पे, तो फाइनली उन्हें पता चलना चाहिए कि अब आप लोग का भंडा फूट रहा है और हम लोग को पता चल रहा है कि आप लोग 15 दिन से कर क्या रहे हो। हमारे देश में जो छात्र हैं उनके हित में कतई कोई नहीं सोचता है। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती, दूसरी गलती को छुपाने के लिए तीसरी गलती और चौथी और पांचवी, और ये भूल जाते हैं कि कितने बच्चों का जीवन जो है वो बर्बाद होने जा रहा है और हो चुका है, और इस पे जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को। अभी स्क्रीन पे आपको जो दो एडमिट कार्ड प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो दिख रहा है, कोर्स अलॉटमेंट लेटर जो दिख रहा है, ये एक ही स्टूडेंट का है, लेकिन इन स्टूडेंट ने एक बार अपना एप्लीकेशन नंबर गलत भरने के बाद किसी ने बोला कि नहीं आप फिर से भर दो, वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसने फिर से भरा, तो जो सही वाला था उस पे उनको कोर्स अलॉटमेंट हुआ। सेकंड राउंड में फिर से जो गलत वाला है उस पे कोर्स अलॉटमेंट हुआ। ये पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। जो बच्चे अभी 12वीं के जस्ट बाद आ रहे हैं उन्हें पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपके साथ कितना बड़ा धोखाधड़ी हुआ इस बात को समझो भाई। एक सीट की कीमत समझनी पड़ेगी, एक बच्चे के भविष्य की कीमत समझनी पड़ेगी। बच्चे इतना मेहनत करके आते हैं, इतना पैसा लगा के आते हैं, हाँ कि हाँ हमारा एडमिशन हो जाएगा, हम अपना भविष्य बनाएंगे, अपना स्वर्णिम भविष्य बना के इस देश के सेवा कार्य में कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये एक बच्चे के साथ भी हुआ है तो क्यों हुआ है? आपकी डेटा हैंडलिंग कमेटी कर क्या रही है, सदस्य कर क्या रहे हैं भाई? डेटा स्क्रीनिंग बिना किए आप अलॉटमेंट जारी कर रहे हो, और इस तरीके की गड़बड़ियों के लिए कौन जवाब देगा? माननीय वीसी साहब को इन पूरे समस्याओं पे तुरंत के तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और एडमिशन कमेटी को फटकार लगाते हुए ये सुझाव देना पड़ेगा भाई इस तरह की गलतियां मत करो, नहीं तो बच्चों भविष्य खराब हो जाएगा। एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये एक डेटा है और ये एक डेटा है। स्टार्टिंग के अगर एप्लीकेशन नंबर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2335 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2235, एक नंबर गलत हुआ। ये एक बच्चे की गलती है, लेकिन इस बच्चे की गलती की वजह से जो हजारों बच्चे हैं वो खामियाजा क्यों भुगते, आप मुझे बताइए। ये एक बहुत बड़ी गलती है कि आप एप्लीकेशन नंबर एनटी एप्लीकेशन नंबर गलत होने पे आप उसे अलॉटमेंट दे रहे हो, मींस जस्ट अ डेड एप्लीकेशन नंबर को आप अलॉटमेंट दे रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? आप ये कैसे कर रहे हो? आपकी स्क्रीनिंग कमेटी कर क्या रही है? ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको डिटेक्ट करना था कि भाई इस नंबर पे एडमिशन नहीं देना है क्योंकि ये सीट किसी और को जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेरिट। लेकिन ये कैसे हुआ? इतने सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, आप यहां पे देखो, आप यहां पे देखो, इतने सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। ये कमेंट क्या है कि आप उनको फिर भी मेल भेज रहे हो कि आप उन्हें पेमेंट भेजिए, जबकि उनका पेमेंट हो चुका है, उन्होंने सीट लॉक करने के लिए आपको मेल कर दिया है, उसके बाद भी आप उन्हें बोल रहे हो ना उनका अपग्रेड हुआ है। ये सब कैसे हो रहा है? बहुत सारे बच्चों के ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई हमारे मार्क्स ज्यादा हैं और कम वालों का एडमिशन दिया गया, ये कैसे हो रहा है? एडमिशन कमेटी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चलना चाहिए था भाई। आज आपके डेट के अकॉर्डिंग कम से कम पांचवा या चौथा राउंड आना चाहिए, आपने सेकेंड राउंड निकाला, सेकेंड राउंड में भी आपने ऑफिशियल जो कट ऑफ लिस्ट आनी चाहिए वो आपकी आई। आपने बोला था कि हम ऑनलाइन पे देंगे, कौन से ऑनलाइन पे आया मुझे बताओ, कौन से ऑनलाइन पे आया? ये पूरा मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूं, आपने कहां पे भेजा हुआ बताइए मुझे, ये कहां पे आपका है? ये यूजी का है, कहां पे आपका है यहां पे ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट? आपको तो भाई ऑफिशियली आपका मैनेजमेंट यही है ना कि हाँ आप यहां पे अपना क्या भेजोगे, कट ऑफ लिस्ट जारी करोगे, बच्चा अपना पता कर पाएगा कि हाँ इतना। भाई डीयू को देखो या किसी यूनिवर्सिटीज को देखो, वो लोग अपने पोर्टल पे एक्टिव करते हैं, उनकी पीआर एजेंसी पे काम करती है, आपकी तरह नहीं कि एक रूम में बैठे हुए कुछ भी कर रहे हो और बाहर तक पता भी नहीं चल रहा है, ये तो मनमानी है सरासर। बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करिए, और मैं सच बता रहा हूं, कल आपको रिटेन एप्लीकेशन आपको वीसी के नाम से दूंगा अगर इन सब चीज पर कार्रवाई नहीं होती है तो, क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि एक सीट की भी लापरवाही नहीं सही जाएगी अगर ये एक के साथ भी हुआ। जबकि ऐसे मेरे पास कई सारे डेटा है, आप जो ये डेटा देख रहे हो ये डेटा आप मेरे से ले लो,
मैं तो आपका छात्र हूं, मैं तो इसी विश्वविद्यालय में रहता हूं, लेकिन फिर भी आंख में मिला के आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ये गलत है। आप मुझे बताओ कि ये कैसे सही है। आज अगर ये एक डेट पे नहीं जाता अलॉटमेंट, तो ये सीट किसी और को जाती अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपने हर एक रूल को अप्लाइज किया। कोई भी आपका रूल जो है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। आपने बीपीए के अभी तक ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट यहां पे चस्पा नहीं किया। बीएफए के 3 बार बोलने के बाद आपने चस्पा किया था कि मैं रिटेन आपको दिया। इतनी सारी चीजें कर रहे भाई, क्या हर बार आपको बतानी पड़ेगी? फिर आप वहां बैठे क्यों हो भाई, जब आपको करने नहीं आता है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे काम करना है। एडमिशन कमेटी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज इन सभी मामलों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो ये बच्चों के बीच में अगर जाएगा मैसेज तो विश्वविद्यालय की जो एक गरिमा है, जो आइकन है, जो वैल्यू है, ये बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड हो जाएगा और प्रशासन को इस पे जवाब देना पड़ेगा। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, एडमिशन कमेटी पूरे कट ऑफ को एक बार रिवाइज करे और उसके बाद कट ऑफ को रिलीज करे, या फिर जो भी इस पे करना है भाई आप करो, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि ये गलत है और ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग मेरे पास है और ये आपको ही पता है कि गलतियां कहां से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको पता है गलतियां कहां से हो रही है, लेकिन बस एक गलती को छुपाने के चक्कर में दूसरी और तीसरी और चौथी गलती हो रही है। इतना डिले हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, डिले क्यों हो रहा है? 15 अगस्त से 20 अगस्त तक वो क्लास स्टार्ट कर रही थी, पीजी अभी पूरी की पूरी पोर्टल खाली पड़ी हुई, स्टार्ट तक नहीं हुआ है, ना स्पोर्ट्स कोटा का कोई अपडेट है। आपको तो यह भी नहीं पता है कि जो कम क्वांटिटी के एप्लीकेशन नंबर हैं उनके कम से कम प्रैक्टिकल के लिए ईमेल जाना चाहिए, उनको पता कैसे चलेगा कि भाई उनके प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड पोर्टल पर रिलीज हो गया है? इसके लिए तो भाई कोई जवाब देगा, लेकिन नहीं, आप बस पोर्टल पे चीजों को ला दोगे, हाँ उनको चला गया, कैसे पता चलेगा भाई चला गया? 15 को टेस्ट है कि 17 को टेस्ट है, कैसे किसी का मिस हो जाएगा? लेकिन इन सब पे कोई भी कार्रवाई नहीं है, ऐसे काम नहीं होता है। पिछले 3 सालों से एडमिशन के प्रोसेस को मैंने भी ऑब्जर्व करा है और मुझे अच्छे से पता है कि स्मूथली होता था, लेकिन इस बार जिस तरीके से गड़बड़ियां, डिले, इरेगुलरिटीज,